अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट ओवर काउंटडाउन वर्क। वी आर गोइंग टू स्टार्ट ओवर काउंटडाउन वर्क एंड द पेज नंबर इज 55। पेज नंबर 55। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल मार्क योर डेट एंड डे एट द टॉप ऑफ द पेज। Date and day at the top of the page. Then we will start our work. हम बात कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन के बारे में। हमने मल्टीप्लिकेशन को पढ़ा और आपको बताया गया है कि this is the sign of multiplication. ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो जहाँ पे भी ये साइन होगा वहाँ पे हम क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन करने में सिंपल हम टेबल्स पढ़ते हैं, हम टेबल्स पढ़ के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि आपने क्लास वन में 2, 3, 4, 5 और 10 का टेबल किया हुआ है, तो यहाँ पे सिर्फ उन्हीं टेबल्स में से आपके पास क्वेश्चंस आएंगे जो आप रीड कर चुके हैं, जो आपने लर्न कर लिए हुए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आज हमारे पास है मिसिंग नंबर्स। मल्टीप्लिकेशन के अंदर आज हमारे पास है मिसिंग नंबर्स, फिल इन द मिसिंग नंबर्स। ये हमें पेज नंबर 55 पे कुछ मिसिंग नंबर दिए गए हैं, हमने ये नंबर्स सॉल्व करने हैं। लेकिन हमें ये नंबर सॉल्व करने में बहुत ध्यान से काम लेना होगा, क्योंकि हमारे पास आंसर तो मौजूद है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि आंसर तो मौजूद है लेकिन क्वेश्चन का एक पार्ट नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट ओवर वर्क। हम देखते हैं कि हम इसे किस तरह से कर सकते हैं। सो ए हमारे पास बहुत सिंपल है। सिंपली हमने 5 का टेबल 4 तक पढ़ना है या 4 का टेबल 5 तक। 5 ones are 5, 5 twos are 10, 5 threes are 15, 5 fours are 20। सो ये हमारा आंसर आ गया। बहुत ही आसान और सिंपल क्वेश्चन है। 5 fours are 20। बी में हमारे पास आंसर है और एक हमारे पास है 3। सो हम देखेंगे कि 3 के टेबल में 9 कहाँ पर आ रहा है। हमने ये 9 देखना है कि 3 के टेबल में 9 कहाँ पर आ रहा है। सो लेट स्टार्ट। 3 ones are 3, 3 twos are 6, 3 threes are 9। सो 9 कहाँ पे आया? 3 पे। यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे? 3। 3 threes are 9। अगर हम सी को देखें तो हमारे पास 6 मौजूद है, जबकि आंसर में हमारे पास 12 मौजूद है। सो अब हमने ये देखना है कि 12 कहाँ पे आ रहा है। 6 के टेबल में 12 कहाँ पे आ रहा है? 6 ones are 6, 6 twos are 12। सो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 6 twos are 12। इसी तरह से आपने पेज नंबर 55 पूरा सॉल्व करते जाना है लाइक दिस। ये हमारे पास एफ में है। 5 fives are 25। यहाँ पे हमारे पास 4 है और उसका आंसर 16 है। अब हम रे देखेंगे कि 4 के टेबल में 16 कहाँ पे आ रहा है। सो हम 4 का टेबल पढ़ेंगे। 4 ones are 4, 4 twos are 8, 4 threes are 12, 4 fours are 16। सो जहाँ पे भी 16 आ रहा होगा वो डिजिट हम यहाँ पे राइट कर देंगे। 4 fours are 16। ऐसे ही यहाँ पे 4 का टेबल हम 8 तक पढ़ेंगे। 4 eights are 32। सो ये क्वेश्चन की थोड़ी शेप चेंज है लाइक दिस। तो इसे भी हम सिंपल इसी तरीके से करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 9 है, आंसर में हमारे पास 45 है। सो हमने ये देखना है 45 कहाँ आ रहा है। सो 9 के टेबल, अगर हम 5 तक 9 का टेबल पढ़ेंगे या 5 का 9 तक पढ़ेंगे तो हमारे पास 45 आएगा। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 5। इसी तरह से देखें, 10 का टेबल आप 3 तक पढ़ेंगे या 3 का 10 तक पढ़ेंगे तो आपके पास 30 आ जाएगा। इस क्वेश्चन को करने का और एक और तरीका है। 3 zeros is 0, 3 ones are 3। इस तरह से भी आप कर सकते हैं लाइक दिस।
500 5 1s are 5। इसी तरह से आपने पेज नंबर 55 पूरा सॉल्व करना है। ये आपके आपका पेज है 55 और क्वेश्चन है आपके मल्टीप्लिकेशन के मिसिंग नंबर्स हैं जो आपको दिए गए हैं, आपने इनको सॉल्व करना है। आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड। सो डेट एंड डे मार्क करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।